आज सुबह 11 बजे से मालेगांव की जो सूरत हाल है कि मालेगांव के वासी ऐसा समझते थे कि शनिचर इतवार मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा और पीर के दिन से जुमा की शाम तक लोगों को कारोबार करने की छूट होगी, लेकिन सुबह 11 बजे पुलिस ने आकर के जिस तरह दुकानें बंद करवानी शुरू की और अशियाए जरूरिया के अलावा तमाम दुकानें सरकार बंद करवा रही है, बंद करने का आदेश दिया है और पुलिस डिपार्टमेंट उसका पालन कर रहा है। हमें समझ में नहीं आता कि जान बचाने के लिए लॉकडाउन का फैसला किस हद तक कारगर और मुअस्सर होगा। हमने साले गुज़िश्ता इस बात को देखा है, लेकिन ये बात तो यकीनी है कि अगर मुकम्मल लॉकडाउन किया जाता है तो लोग कोरोना से जान बचा सकेंगे या नहीं बचा सकेंगे, ये तो दो नंबर की बात है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो छोटा मोटा काम काज कारोबार करने वाले लोग हैं, जो रोजाना कमाते हैं और खाते हैं, जिन लोगों की रोटी रोजी का इन्हिसार रोजाना सुबह से निकल करके शाम तक काम काज करना है, ये सब लोग भूखे मर जाएंगे। सरकार का जो बयान आया है, मालेगांव की आवाम ही नहीं पूरे महाराष्ट्र के लोग ये समझते थे कि ये मिनी लॉकडाउन, लेकिन जो सूरत हाल बना दी गई है और जिस तरह डिपार्टमेंट और इंतजामिया लोगों के साथ सख्ती के साथ पेश आ रहा है, इससे ये लगता है कि ये मुकम्मल लॉकडाउन होना ये चाहिए कि सरकार जियो और जीने दो इस तरह का कोई प्रोग्राम लोगों में लाए कि लोग जो है सरकार के आदेश का पालन भी करें और उनकी रोटी रोजी का मसला भी हल हो। इसलिए हम इस सिलसिले के अंदर एडिशनल एसपी से हमने बात की, सीनियर एसपी से बात की, कलेक्टर साहब से बात की और फिर हम जो है इस सिलसिले के अंदर मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से भी, पालक मंत्री और इसी तरह जो है चीफ मिनिस्टर से भी हम बात करेंगे कि लोगों को जियो और जीने दो इस रास्ते पर लेकर के चलना होगा। मुकम्मल लॉकडाउन लोगों के लिए बहुत घातक होगा, लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, इसलिए लोग रोटी रोजी से महरूम ना हो, सरकार को ऐसा कोई फैसला लेना चाहिए। हमारा एक सुझाव है सरकार से, हम चीफ मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहते हैं कि मिनी लॉकडाउन इस तरह हो कि कम से कम एक दिन एक साइड की दुकानें चलें, दूसरे दिन दूसरे साइड की दुकानें चलें, या इसके अलावा कोई और अल्टरनेट इस तरह का हो कि 8 घंटा लोगों का कारोबार होता रहे, लोग कम से कम इतना कमा लें कि वो अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट भर करके जिंदगी गुजार सके। इस तरह का मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला कि सुबह से लेकर के शाम तक ये दफा 144 का निफाज और रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू और सरचार बंदी और उसी के साथ तमाम दुकानें अशियाए जरूरिया की छोड़ करके जब बंद रखी जाएंगी तो लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, छोटा मोटा कारोबार करने वालों के लिए ये चीज बहुत नुकसानदेह। मालेगांव की आवाम इस मामले को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है और तमाम ही जिम्मेदारान इस बात को लेकर के फिक्रमंद है कि मालेगांव के अंदर ही नहीं पूरे महाराष्ट्र को सामने रख करके ऐसा कोई फैसला करना चाहिए जिसमें लोगों का गुजर बसर आसान हो। उसके लिए अगर सरकार इस तरह का कोई राहत का फैसला देती है तो मालेगांव के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के लोगों के लिए बेहतर होगा, और अगर सरकार इस मामले में कोई सख्ती का रास्ता इख्तियार करेगी तो फिर पब्लिक के लिए लॉकडाउन नाकाबिले बर्दाश्त होगा। हमें डर है, अंदेशा है इस बात का कि लोग लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज करेंगे और सरकार और इंतजामिया के खिलाफ रोड पर उतर करके सरकार के आदेश की खिलाफ वर्जी कहीं ना करें, ऐसा डर हमें परेशान कर रहा है। इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब और इसी तरह पालक मंत्री और कलेक्टर और सीनियर एसपी इन लोगों को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के एतबार से बैठ करके कोई ऐसा फैसला लेना चाहिए जो आवाम के हित में हो। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये कहना चाहता हूं कि इस सिलसिले के अंदर सरकार के आदेश का पालन करते हुए इतनी सख्ती न की जाए कि पब्लिक टूट जाए और पब्लिक जो है इस मामले को लेकर के परेशान हो जाए। इसलिए डिपार्टमेंट को भी अपने आला अफिसरान से बातचीत करके कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें सबके लिए राहत हो।